वेलकम टू एच एम क्लासेस। एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ अपडेट है। न्यू सब्जेक्ट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं हर सब्जेक्ट का, और ये जो सब्जेक्ट है वो अब तक की हाईएस्ट एप्लीकेशन इसमें आई हुई है, और इतनी एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट चेक करने के बाद एलिजिबल और अनएलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है। और आप चाहे तो 19 अक्टूबर से पहले इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और जिनसे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको भी उनको जमा करवाने हैं। चलिए हम आगे बढ़े हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं, डायरेक्ट उस पब्लिक नोटिस पर आ जाते हैं। 13/10 का नोटिस है, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है, पहले मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में 5,643 एप्लीकेशन इनको प्राप्त हुए थे, जिसमें 740 एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी इनको नहीं मिली है, और 4,903 एप्लीकेशन को इन्होंने रिव्यू किया है, और एलिजिबल कैंडिडेट जो कि 4,500 के करीब हैं, और अनएलिजिबल कैंडिडेट जो 1,100 के करीब हैं, उनकी लिस्ट दे दी गई है। और इसमें सबसे पहले 12 महाविद्यालय बता दिए गए हैं जहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, वो उसमें पूरी डिटेल है कि कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, अनरिजर्व में कितनी है। टोटल 292 सीट्स हिंदी में थी है, मतलब कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व में 81 है कट ऑफ, अनरिजर्व फीमेल के लिए भी 81 है। एससी में सबसे कम अब तक की देखने की मिली है 30 है, एससी फीमेल में भी 30 है, एसटी में 35 है, ईबीसी में 41, ईबीसी फीमेल में 41, और बीसी में 78 मेल फीमेल दोनों, ईडब्ल्यूएच में भी 73 है मेल फीमेल। इस तरीके से देखिए आप, 4,512 एप्लीकेशन यूआईडी नंबर दिए हुए हैं, और उनके अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाना है उसको तो वो बता दिया गया है कि अगर प्रोविजनल एलिजिबल है जहाँ पे कोई कमेंट नहीं है तो उन्हें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाना है, जहाँ पे कमेंट है तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना है। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, अगर आप हिंदी से जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर इसे देखिए। और ये हम सीधे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे अन एलिजिबल कैंडिडेट की भी लिस्ट दे दी है इन्होंने। मोस्टली तो वो इस अन एलिजिबल में जिनकी हार्ड कॉपी इनको नहीं मिली है वो डायरेक्ट अन एलिजिबल करके इन्होंने शो कर दिया है। यहाँ से देखिए आप, 1,131 एप्लीकेशन को अन एलिजिबल घोषित किया है, जहाँ पे देखो बिकॉज नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इन द ऑफिस, सारे वो भी डिटेल दे दिए। हम नीचे डिटेल देख लेते हैं इसकी। 19 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक इनको हार्ड कॉपीज अपनी जो है मेल के थ्रू ही भेज देनी है, जो भी रिमेनिंग है इनकी। और जिनको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं उसके लिए भी 19/10 का टाइम दिया हुआ है, वो भी अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि ये फाइनल कट ऑफ रिलीज करेंगे, और उसके साथ ही इसमें आपके इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे, जो कि लगभग हो सकता है दिवाली के बाद हो जाएं। जैसे ये नया अपडेट आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। आप हमारे चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।